पहले उत्तराखंड का हल्द्वानी, फिर उत्तर प्रदेश का बरेली, दोनों जगह सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई। हालांकि अब हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन सियासत को कौन कंट्रोल कर सकता है, तो इन दोनों ही मुद्दों पर सियासत भी जारी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इन मामलों पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने योगी और धामी सरकार पर न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि बड़ी मांग भी कर दी। बसपा चीफ ने हल्द्वानी हिंसा और बरेली बवाल को लेकर दो पोस्ट सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर किए, जिसमें उन्होंने लिखा, उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी में हुई हिंसा और उसमें जान माल की हुई क्षति अति चिंतनीय है। अगर सरकार, प्रशासन व खुफिया तंत्र सतर्क होता तो इस घटना को रोका जा सकता था। सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए तथा अमन चैन भी कायम करे। यानी कि मायावती ने हल्द्वानी हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के लिए न सिर्फ गहरा दुख जताया बल्कि राज्य सरकार से मामले की हाई लेवल जांच कराने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि सरकार अगर सतर्क होती तो ये नौबत ना आती। इसके अलावा यूपी की पूर्व सीएम ने अगला पोस्ट बरेली बवाल को लेकर किया, जिसमें उन्होंने साफ लिखा कि उत्तराखंड से लगे यूपी के जिला बरेली आदि में भी आए दिन किसी न किसी मुद्दों को लेकर यहाँ तनाव की स्थिति बनी रहती है, जिसे समय रहते सरकार को नियंत्रित कर लेना चाहिए ताकि यहाँ भी शांति व्यवस्था बनी रहे। मतलब कि मायावती का कहना है कि आए दिन बरेली में इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। मायावती ने यूपी की सरकार को नसीहत दी कि वक्त पर इसे नियंत्रित कर लेना चाहिए। बता दें कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में गुरुवार को अवैध मदरसा तोड़े जाने की कार्रवाई के दौरान हिंसा भड़की थी, जिसमें 6 लोग की मौत हो चुकी है। वहीं बरेली में शुक्रवार को मौलाना तौकीर रजा के जेल भरो आंदोलन के बाद बवाल हुआ था।